हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले चर्चा करेंगे रतन टाटा जी के बारे में। देखिएगा, रतन टाटा जी का जो है आज निधन हुआ, और वो लगभग 86 साल के थे। ये खबर तो आपने मीडिया में सुनी ही होगी। और एक ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने ना केवल भारत का नाम किया, बल्कि जो ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनकी तो ग्रोथ की, साथ में एम्प्लॉयज़ का, जो कस्टमर्स हैं उनका, और सभी देशवासियों का बहुत ही अच्छे से उन्होंने ध्यान भी रखा। और साथ में जो सब काम सरकारों के होते हैं वो काम भी जो है रतन टाटा जी ने किए। और जो चैरिटी का काम, और स्पेशली जो कैंसर के अंदर जो उनका योगदान रहा, जितने कैंसर इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल्स वो चला रहे थे, वो काबिले तारीफ था। और उनकी अगर पूरी जीवनी देखेंगे आप, तो वो इस तरीके की है कि इस तरीके के लोग दुनिया में शायद दोबारा पैदा नहीं होते। ये कुछ ही लोग होते हैं ऐसे जो समाज को इतना कुछ दे के जाते हैं, और अपनी जो कंपनीज हैं वो भी ऐसे एथिक्स के साथ चलाते हैं जो कि आज के युग में संभव नहीं है। और अगर आप उनकी पूरी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो आप ये सब चीज़ मानेंगे कि वो भारत रत्न के जो है हकदार थे। लेकिन भारत के अंदर एक विडंबना है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, केवल पॉलिटिकल लोगों तक ही ये जो है सीमित रखते हैं, और ज़्यादा जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को ये जो है सरकारें जो हैं भारत रत्न देती हैं। बट मुझे लगता है कि रतन जी को जो है ये मिलना चाहिए था, और उनके जीते जीत जो है ये अवार्ड मिलना चाहिए था। लेकिन देखिएगा, अभी सरकारों के हाथ में है। बट आप इसके बारे में जो है अपनी राय जो है सोशल फोरम पर रख सकते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। कम से कम अब तो जो है विधानसभा के अंदर बात करें अगर महाराष्ट्र में, तो उन्होंने भी जो है प्रपोज़ किया, तो उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है आज हम बाजार की बात कर रहे हैं, लेकिन बाजारों में आज निफ्टी के अंदर जो पैटर्न्स देखने के लिए मिले, आज निफ्टी ऊपर से चलने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं वो शायद निफ्टी को 25,000 के इर्द गिर्द ही रखना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ। हालांकि जो बुल्स हैं वो बैंकिंग स्टॉक्स के माध्यम से निफ्टी को खींचने की तो पूरी कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन जो बाजार जो निफ्टी है वो बेयर्स के कंट्रोल में था। तो बैंकिंग स्टॉक्स बेशक से ऊपर रहे, लेकिन बाकी सभी शेयर्स जो इंडेक्स के अंदर हैं, जो इंडेक्स को खींच सकते थे, उनके अंदर कोई विशेष तेजी नहीं देखने के लिए मिली। और जैसा हम निफ्टी के अंदर चर्चा कर रहे थे कि 24,800 एक ऐसा लेवल है, जब तक उसके ऊपर चलेगा तो हम एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए जो है देखेंगे कि भाई एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकते हैं। और निफ्टी भी जो है एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में काम कर रहा था, बैंक निफ्टी भी, और बैंक निफ्टी निफ्टी के सामने कहीं ज़्यादा ओवरसोल्ड था, तो बैंक निफ्टी में आज एक रिलीफ जो है देखने के लिए मिला। अभी देखिएगा, निफ्टी में हमारे को ऐसा लगता है कि आज की जो क्लोज हुई है थोड़ी सी वीक हुई है, और जो आज की अगर एडवांस डिक्लाइन देखें, बोले जो दिन भर मूवमेंट रही उसको देख के भी ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल के ऊपर जो है बाजार ज़्यादातर शेयर्स को बेचते हुए नजर आया, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आती हुई नजर आई, यानी कि जो घटने वाले जो शेयर्स थे उनकी संख्या दिन भर बढ़ती हुई नजर आई। इसके बाद अगर हम चार्ट पैटर्न की भी बात करें, तो देखिएगा जो कैंडल है वो कल की कैंडल्स के बीच में जो है बनी है, सिमिलर टू इनसाइड कैंडल है। और जनरली ऐसी जो कैंडल्स हैं जो नीचे से एक ओवरसोल्ड मार्केट से रिकवरी आती है उसको नेगलेक्ट करती हुई नज़र आ रही है, तो ये काफ़ी अच्छी संभावना है कि अगर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो शायद वो एक टेक्निकल पुल बैक ही होगा, और एक सस्टेनेबल मूव के लिए बाजार को 25,400 के ऊपर जाना पड़ेगा। और पहला जो रेजिस्टेंस है वो 25,200 के आसपास है, और दूसरा 25,400 के, तब तक ये लेवल्स के आसपास भी जो है बाजार जाता है, तो हम इसको एज ए टेक्निकल बाउंस बैक ही जो है मान के चलेंगे। और अगर 25,400 के ऊपर अगर बाजार टिकता है
तो ही शायद नई तेजी के आसार बनेंगे, अदरवाइज यहाँ से बाजार के टर्न होने की संभावना ज़्यादा है। तो बाजार में अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो आज क्लोज था वो एक नेगेटिव था, और 24,800 जो एक अहम सपोर्ट है, अगर उसके नीचे निफ्टी निकलता है तो ऐसी संभावना है कि एक वीकनेस आ सकती है। बट मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल शायद इतनी जल्दी 24,800 बाजार ना तोड़े, बाजार शायद थोड़ा कंसोलिडेट करे और एक टाइम लगे और उसके बाद नीचे आए, महीने के एंड तक हो सकता है कि ऐसी दशा देखने के लिए मिल सकती है कि महीने के जो लास्ट पूरा जो 10 दिन का सीजन होगा उसके अंदर शायद एक वोलेटिलिटी देखने के लिए मिले और वहाँ पर जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो भी आते हुए नजर आएंगे। आज TCS के रिज़ल्ट जो हैं पेश किए गए, और हालांकि टाटा एलेक्सी के भी रिज़ल्ट थे, तो TCS के जो रिज़ल्ट हैं वो मैंने जो रीड किया मार्जिन्स के बेसिस पे, या हम रेवेन्यू ग्रोथ या अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें, तो वो शायद बाजार की उम्मीदों से नीचे थे। तकरीबन 7-8% की जो ग्रोथ है वो शायद हमें नहीं लगता कि 35-40 के जो शेयर्स हैं पी पर उनके ऊपर सस्टेन करती है। तो हालांकि एज अ डिस्क्लोज़र, हमारी पीछे जो है मंदी की पोजीशन थी TCS में, अभी कोई भी हमारी TCS में किसी तरीके की कोई पोजीशंस नहीं है, ना तेजी की ना मंदी की। बट फिर भी मुझे लगता है कि जो 4250 के आसपास जो है TCS ट्रेड कर रहे हैं, शायद वो इन लेवल्स को तोड़ दे, और जो 4200-4100 के जो लेवल्स हैं शायद वो भी ब्रीच हो सकते हैं अगर रिजल्ट के ऊपर बाजार रिएक्ट करते हैं। तो जहाँ तक बात करें बाकी IT कंपनीज की, तो जो इन्फोसिस का जो ADR है वो तकरीबन 2.5% के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो TCS का असर है वो शायद हमें कल एक नेगेटिव टेरिटरी में जो है TCS का शेयर्स ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट जो है मुझे स्लाइटली वीकनेस की संकेत दे रहे हैं, और पिछली बार जो ऑप्टिमिज्म क्रिएट किया गया था कि भाई TCS के रिज़ल्ट अच्छे हैं और एक रन अप किया गया था, हालांकि हमने उसको मंदी में प्ले किया था क्योंकि हमें TCS के रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं लग रहे थे जितनी सोशल मीडिया में या मीडिया के अंदर उसको प्रेजेंट किया जा रहा था। और अभी भी हालांकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरी कोई जो पोजीशंस नहीं है, और एक वीकनेस हमें देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि 3600-3700 रुपये के अगर आसपास के भाव आने वाले समय में मिलते हैं तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ पे शायद एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि 10% की गिरावट के बाद अगर ऐसा होता है इफ़ एनी, तो एक स्कोप जो है TCS में उन लेवल्स के आसपास बन सकता है। अगर हम बात करें कि भाई आज जो शेयर्स थे, तो आज जो पूरी निफ्टी को संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो थी बैंक निफ्टी स्टॉक्स पर, और HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और JSW जैसे जो शेयर्स हैं वो तेजी में थे। बेसिकली आज जो बैंक निफ्टी में जो शेयर्स अभी नहीं चले हैं उनमें कोटक महिंद्रा की बारी थी, तो और कोटक महिंद्रा के अंदर एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। हालांकि 5-6 महीने पहले मुझे याद है कोटक महिंद्रा का शेयर हमने पोर्टफोलियो में भी लिया था, ट्रेड में भी लिया था, तो वहाँ पर 1640-1650 के आसपास जब वो खबरें आई थी कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड, और जो कुछ RBI ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, तो हमें बड़ा पॉजिटिव लग रहा था। हालांकि अभी हमारी कोई पोजीशंस नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट है मैंने ट्रेड में, तो मुझे लगता है कि जो शेयर्स बीटन डाउन थे उन पर थोड़ा सा अब एक पोजीशंस बनाने की कोशिश जो है ट्रेडर्स कर रहे हैं कि जहाँ पे रिस्क कम है। तो इसीलिए मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक में आज एक उफान जो है देखने के लिए मिला। इन्फोसिस, ट्रेंट, सन फार्मा, टाइटन और टाटा मोटर जैसे शेयर्स कमज़ोर थे। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, सिप्ला के शेयर में 3.67% की गिरावट थी, टेक महिंद्रा में भी गिरावट है 2.36% की, इन्फोसिस 1.73, LTI माइंट्री यानी कि IT जो पैक है वो थोड़ा सा कमज़ोर था। निफ्टी बैंक आज का जो है सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो 523 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिली, और निफ्टी बैंक के शेयर्स के दम की बदौलत ही आज निफ्टी अपने आप को 25,000 पे सस्टेन करा पाई। अगर हम निफ्टी बैंक की देखें तो देखिए कहीं जो दायरा हमारे को निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 51,800, तो यहाँ से बाजार हो सकता है कि अभी 200-300 पॉइंट और आपको चलता हुआ नजर आए 51,800। अगर 51,800 पे बाजार पार कर लेता है
तो फिर बैंक निफ्टी में दोबारा से एक नई तेजी के आसार बन सकते हैं, लेकिन अगर 51,800 पर सेलिंग प्रेशर आएगा तो फिर बाजार को नीचे की तरफ धकेल सकता है। अभी तक चांसेस ऐसे लग रहे हैं मुझे कि 51,800 के आसपास अगर बाजार जी गया, इफ एनी, तो वहाँ पर एक सेलिंग वाली अपॉर्चुनिटीज जो है शायद ट्रेडर्स देखते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी देखने की, अगर 51,800 पार कर लेता है तो बाजार सीधा 52,500 के आसपास इस गैप के अंदर जाके रुकेगा, क्योंकि 52,700 52,800 तक हो सकते हैं, और फिर हमें लगता है कि महीने के एंड में वहाँ से गिरावट हो सकती है। लेकिन 51,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, चांसेस ये हैं कि यहाँ पर भी इस लेवल्स को भी शायद ना पार कर पाए। इसके बाद अगर हम बात करें कि आज बैंकों के अलावा अगर FIs के डेटा की पर अगर ध्यान रखें, तो आज FIs ने जो है लगातार सेलिंग को बरकरार रखा है, और आप देखेंगे कि पूरी स्क्रीन पर आपको FIs की जो 3 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक रोज एक सेल्स फिगर आपको देखने के लिए मिल रही है कैश मार्केट में, और सिमिलरली उसके विपरीत जो है 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपको DIs की कैश फिगर देखने के लिए मिल रही है। कुल मिलाकर इस महीने के अंदर तकरीबन 54,000 करोड़ के आसपास FIs बेच चुके हैं और इतना ही DIs ने खरीदा है, तो FIs और DIs की नेक टू नेक पोजीशंस चल रही है। अब भी देखते हैं कि बाजी कौन हारता है कौन जीतता है, बट अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि FIs शायद थोड़ा सा और सेल कर सकते हैं, और FIs शायद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई करने की बजाय थोड़ा सा ईज कर सकते हैं। अगर हम FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग थोड़ी सी कम कर दी है और एक न्यूट्रल पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से FIs की जो इंडेक्स ऑप्शंस हैं वहाँ पर भी 21,000 करोड़ की आज जो है सेलिंग करते हुए नजर आया। तो जनरली जब इंडेक्स के अंदर ऑप्शंस में सेलिंग होती है तो कोशिश ये होती है कि बाजार न्यूट्रल जो है देखने के लिए मिलता है, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1,574 करोड़ की जो है सेलिंग देखने के लिए मिली, और FIs इंडेक्स ऑप्शंस लगातार बेच रहे हैं, साथ में स्टॉक ऑप्शंस भी लगातार बेच रहे हैं। इसके बाद देखें निफ्टी, तो निफ्टी 50.7361 की जो है पुट कॉल रेशियो है, ये अभी भी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है अगर कंपेयर करें निफ्टी से। तो निफ्टी अभी एक न्यूट्रल पोजीशंस, बैंक निफ्टी एक न्यूट्रल साइड में आ गई है अगर पुट कॉल रेशियोज की बात करें तो। इसके बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है जो आज फ्लैट है, ब्रांड कोड भी हालांकि कल से थोड़ा सा इंप्रूव हुआ लेकिन अभी भी $80 के नीचे है। ऑप्शन चेन के डेटा में देखें तो 25,000 की पुट के ऊपर एक अच्छी राइटिंग जो है देखने के लिए मिल रही है, तो इमिडिएटली हमें अभी लग रहा है 25,000 एक्सपोर्ट है। ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो 25,000 पर एक एक्सपोर्ट है। टेक्निकली अगर मेरी बात अगर हमें देखने के लिए जाएँ तो हमें 24,800 एक्सपोर्ट मिलती है, और अगर 25,000 पर कॉल राइटिंग बोले तो जो है कॉल राइटिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन जब पुट राइटिंग के सामने थोड़ी सी कम है। कॉल राइटर थोड़ा सा ऊपर की तरफ पोजीशंस बना रहे हैं 25,300 के आसपास, और यहाँ पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग, और 25,200 जो टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है वहाँ पर एक सेलिंग जो है जरूर कॉल राइटर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 25,000 से 25,200 का एक दायरा है जिसके बीच में बैंक निफ्टी के चलने के आसार हैं। अगर ऊपर की तरफ 25,200 टूटता है तो फिर देखिएगा एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उसी तरीके से 24,800 के नीचे एक फ्री फॉल वाली सेल देखने के लिए मिल सकती है। निफ्टी बैंक के अंदर बात करें तो आज एक 500 पॉइंट की तेजी के बाद जो पोजीशन है वो थोड़े से शिफ्ट हो गई है, और पुट राइटर थोड़े से एग्रेसिव हो गए हैं, लेकिन पुट राइटर अभी भी आकर 51,500 पर पुट बेचने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल साइड ही ज़्यादा है, तो 52,000 पर तो एक सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग है। तो जो मैं आपके साथ बात करूं यहाँ पर इन लेवल्स के हिसाब से, तो जो हमारे टेक्निकली 51,800 रेजिस्टेंस थी वो अगर ऑप्शन चेन में देखें तो 52,000 की रेजिस्टेंस है, और तकरीबन 51,000 के आसपास एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो 51 से 52,000 की एक रेंज निकल कर आती है। टेक्निकली अगर हम देखें तो 50,800 से 51,800 के बीच की एक रेंज निकल कर आती है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।